इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोक कला मंडल मधुबन उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दो पक्षों के बीच हुए विवाद को निपटाने पहुंची पुलिस ने की महिला से मारपीट, पीड़िता पहुंची आईजी विनीता ठाकुर की शरण। शहर के रकमपुरा गांव में भाई ने भाई की कर दी निर्मम हत्या, चाकुओं से किए ताबड़तोड़ वार, उतारा मौत के घाट। त्योहारी सीजन में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं, प्रशासन ने शुद्ध के लिए छेड़ा युद्ध। और क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे ने दी कुकिंग डिजिटल ऐप और इंस्टीट्यूट की जानकारी, टीवी कलाकार को सामने देख उत्साहित हुए शहरवासी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस के विवादों में उलझने की। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में दो परिवारों के बीच हुए झगड़े के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ ही मारपीट कर डाली। पुलिस द्वारा मारपीट करने पर पीड़ित परिवार सोमवार को उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर के सामने पेश हुआ और न्याय की मांग की। दरअसल बड़ी रोड पर टीबी हॉस्पिटल के पास रहने वाले दो भाइयों में 40 वर्षों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है और दोनों पक्षों में पूर्व में भी कई बार गाली गलौज और मारपीट जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। पीड़िता पूनम कंवर ने बताया कि रविवार रात पड़ोस में रहने वाले रोड सिंह और उसके परिवार के लोग घर में ही शराब पार्टी कर रहे थे। उसके बाद शराब की खाली बोतलें और नॉनवेज के कुछ टुकड़े पीड़िता के घर में फेंकने लगे। इस पर पूनम के पिता ओकार सिंह द्वारा विरोध करने पर रोड सिंह और उनके परिवार वालों ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिस पर पूनम कंवर ने पुलिस हेल्पलाइन के 100 नंबर पर फोन किया और शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर अंबामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश करते हुए मामले को शांत कराया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मामला शांत होने के बाद रात करीब 11 बजे नशे में धुत अंबामाता थाने के चेनाराम पुनः मौके पर आए और पीड़ित परिवार के साथ ही मारपीट करते हुए पीड़िता के कपड़े तक फाड़ दिए। साथ ही पूनम के भाई के पैर पर भी पास पड़े एक फावड़े से गहरे घाव कर दिए गए। पुलिसकर्मी द्वारा की गई मारपीट का परिजनों ने जब विरोध किया और वीडियो बनानी चाहिए तो नशे में धुत वर्दी वाले ने मोबाइल पर झपट्टा मारा और उसके साथ भी मारपीट कर डाली। पीड़िता ने यह आरोप भी लगाया कि चेनाराम अक्सर आरोपी पक्ष के साथ शराब पार्टी करता है और इसी वजह से पुलिस ने पीड़ित परिवार को नहीं सुना और आरोपी पक्ष पर मेहरबान रही। पुलिस द्वारा हुई गुंडागर्दी के बाद पीड़ित परिवार आईजी विनीता ठाकुर की शरण में पहुंचा और अंबामाता थाने के चेनाराम के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उदयपुर न्यूज को उपलब्ध कराई गई रात की वीडियो में दिखाई देते चेनाराम ने किसी भी तरह की मारपीट से इनकार किया है। आप ठोको ना सर, आप ठोको, आपने ठोको ना, आपका नाम आप ठोको ना सर, आप ठोको, आपने ठोको ना, आपका नाम। 2 नंबर पे मैंने कॉल किया, वो लड़ाई झगड़ा करे। 100 नंबर पे मैंने डायल किया तो उन्होंने फोन उठाया तो वो बोल रहे क्या हुआ। मैं को ये देखो लाउड स्पीकर करके मैंने उनको सुनाया, देखो ये मेरे को गाली दे रहे, ऐसे ऐसे बुरी बुरी गालियाँ दे रहे। तो आए वो बोले कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। तो वो आए तो एक बार उनको समझाया कि चले गए, तो वापस दूसरी बार वापस आए, वापस समझाया उनको तो वापस चले गए। तीसरी बार आए तो मेरे साथ मारपीट करने लग गए, मेरे नाखून मेरे गले से यहाँ से पकड़ ले, तू ये मारने वाली, और मेरे भाभी को और पेट में लात दी और मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए यहाँ से। फिर पुलिस वाले फुल दारू पी रखा, पैर भी नहीं टक रहे थे। 11:30 बजे की बात है रात को। फिर वो को थाने में लेके चलो, इसके साथ ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे, घसीट के ले जाने वाले थे। फिर मेरे ऊपर वाले किरायेदार बाहर से आ रहे थे, वो तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करना, फोन रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फोन को झपट मार दी उनको खींच के, उसको भी लेके चलो साथ में, ये भी बहुत ऊँचे करा उनके साथ भी मारपीट की उन्होंने। फिर या घर पे थी तो उसे घसीट के बाहर लाए, बाहर ला के इसको गले में पकड़ लिया, इसको गले में पकड़ लिया। मैंने कहा कि उसको गले में क्यों पकड़ा, इसको 2-3 चांटे मिल दिए जोर जोर से। मैंने कहा क्यों मार रहे हो इसको, तो इस को यहाँ पटक दो, यहाँ से इसको करो पटक के, इसको घसीट के उसमें बैठाओ। ऐसा पुलिस वाला कह रहा था? हाँ, पुलिस वाला कह रहा था। आप लोगों को क्यों बुलाया था आपने पुलिस वाला को? पुलिस वाले को बुलाया कि 100 नंबर पे इसको पहली गाली गलौज दे रहे थे। क्यों बुलाया हम लोगों को आपने? पुलिस को क्यों बुलाया? कौन
आप लोगों ने पुलिस को 100 नंबर पर फोन? हाँ, तो उनको गाली गलौज दे रहे थे उसको। कौन? जेट और जेटानी सब लोग थे, नंदोई और नंदे चार। आप लोगों के साथ गाली गलौज कर रहे? गाली गलौज कर रहे थे। तो आपने पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाया। तो पुलिस ने आके आप ही के साथ मारपीट की? थाने में तीन बार गाड़ी आई, तीन ही बार, दो बार तो समझा के चली गई। और फाटक नहीं खोल रहे थे उसके, फाटक को जोर जोर से बचेड़ा उसको, बचे कमार तोड़ दिया। आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? नहीं कराई। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रकमपुरा गांव में रविवार रात कुछ युवकों ने चाकूबाजी करते हुए गांव के चैनराम को मौत के घाट उतार दिया। रविवार को शारदीय नवरात्र की नवमी होने के कारण गांव में चहल पहल की कमी थी और इसी का फायदा उठाकर रात करीब 9:30 बजे पुराने आरटीओ के पास रेवालियों का गुड़ा निवासी मौसेरा भाई शंकर गमेती दो युवकों के साथ चैनराम के घर आया और उसे बाहर बुलाते हुए चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। ग्रामीणों ने बताया कि चाकूबाजी की घटना के बाद गांव के दो युवकों ने चैनराम को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दो आरोपियों की तलाश जारी है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग जैसी किसी भी बात से इनकार किया है। आपको बता दें कि मृतक चैनराम प्रताप नगर में एक शराब के ठेके पर सेल्समैन था और उसके दो बच्चे और बुजुर्ग माता पिता का कमाने वाला आखिरी सहारा भी था। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की थी और मुआवजा नहीं मिलने पर मृतक के शव का आरोपी के घर के बाहर अंतिम संस्कार करने की चेतावनी भी दी थी। पोस्टमार्टम के बाद जब परिजन शव लेकर निकले तो प्रताप नगर थाना पुलिस भी साथ साथ रकमपुरा पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी को भी आरोपी के घर तक नहीं पहुँचने दिया गया। शाम होते होते मृतक चैनराम के घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। चैनराम बिल नाम का रकमपुरा का निवासी है, इसकी रात को 9:30 बजे चार गुंडे आए और उन्होंने घर से बाहर बुलाया उसको और उसकी धारदार हथियार से उसकी हत्या की है। मेन रीज़न कोई नहीं है, ये आपसी दोनों भाई थे और रंजिश क्या है जो साथ में रहते थे और बाहर बुला के उसकी हत्या करवाई। अभी तक कोई कारण हमको पता नहीं चला है, पर हम सरकार से और प्रशासन से आश्वासन चाहते हैं कि उसके परिवार को अच्छा मुआवजा मिले और उनके भरण पोषण का काम करे, नहीं तो लाश उसके घर पे जलाएंगे हम तो, और वेर का बदला वेर लेंगे हम। उदयपुर के मादड़ी एकलिंगपुरा हाईवे पर सोमवार सुबह एक भयावह हादसा हो गया। सोमवार अल सुबह मादड़ी एकलिंगपुरा हाईवे पर बने आयड़ पुल की रेलिंग तोड़ते हुए एक ट्रक नीचे गिर गया, जिसमें दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। सवीना थाने के हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई ने बताया कि दिल्ली से सीमेंट के पाइप से भरा एक ट्रक उदयपुर की ओर आ रहा था, तभी एकलिंगपुरा के समीप आयड़ पुलिया से ट्रक ओवरटेक के दौरान करीब 30 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रक में मौजूद दो भाइयों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों भाई हरियाणा के मेवात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही सवेना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मौके से ट्रक को खड़ी करने की कार्रवाई की गई। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई, जिनके आने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। आशंका जताई जा रही है कि रात भर का सफर करने वाले ट्रक चालक को नींद की झपकी आ गई और अनियंत्रित होकर ट्रक पुलिया से नीचे जा गिरा। हादसा इतना भयंकर था कि चालक की ट्रक के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार सुबह जब क्षेत्रवासी ने देखा तो कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक के नीचे दबे शव को बाहर निकाला जा सका। आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास दिल्ली से कोई ट्रक आ रहा था सीमेंट के पाइप भर करके, ट्रक में पाइप भरे हुए थे, मकान में जो काम करता है सैनिटरी वाले पाइप थे, तो ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित हो गया और एकलिंगपुरा चौराहे से प्रतापनगर की तरफ चलते हैं तो एक पुलिया है वहाँ पे आयड नदी के ऊपर बना हुआ, उस पुल से करीब 30 फीट गहरे खाई में वो अनकंट्रोल होकर के पूरा ट्रक नीचे गिर गया। तो मौके पर तुरंत जाब्ता पहुँच गया हमारा, दो लोग थे ट्रक के अंदर, दोनों सगे भाई थे, एक का नाम शमीम और एक का नाम रोबिन था। शमीम की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और रोबिन ने भी दौरान इलाज हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, तो दोनों की मौके पर डेथ हो गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है और ट्रक को बाहर निकालने की व्यवस्था करवा रहे हैं। करीब 30 फीट गहरी खाई में गिरने से अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे ये दुर्घटना हो गई और दोनों मृतक नू हरियाणा के रहने वाले हैं, जिला नू मेवात में हरियाणा वहाँ के निवासी, सूचना दे दी गई कार्रवाई। क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे ने कहा कि ड्रग्स बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैला हुआ है और इसके खिलाफ हमने कई फिल्म भी बनाई हैं, जिसमें हमने ड्रग्स लेने वालों की हालत को बयां किया है।
आज जो ड्रग्स के आरोपों के बाद बड़े बड़े अभिनेताओं ने चुप्पी साधी है वह बॉलीवुड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पांडे सोमवार को मास्टर शेफ तरुणा बिड़ला की कुकिंग डिजिटल ऐप और इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी देने भिलवाड़ा पहुंचे थे। मास्टर शेफ तरुणा बिड़ला ने कहा कि वर्तमान हालात में भारतीय खाद्य पदार्थों के प्रति नौजवानों में रुझान बढ़ा है और सी फूड को लेकर उनमें अब कई तरह की भ्रांतियां फैली है। ऐसे में उनका प्रयास है कि शहर समेत देश भर के नौजवानों को सेहत भरे व्यंजनों की जानकारी दी जाए और इसी को लेकर यह ऐप लॉन्च किया जा रहा है। 3 दिसंबर को एक साथ वेबसाइट ऐप तथा होटल मैनेजमेंट कोर्स जयपुर में सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर करेंगे। 3 दिसंबर को इसका डिजिटल लॉन्चिंग कर रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर जी मैरियट होटल जयपुर में, और इसके साथ साथ इनका एक ऐप है, एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है, जो कुकिंग क्लासेस देते हैं, और इनकी एक बुक है, कुकरी बुक है जो डिजिटल भी है, जिसके वीडियो के थ्रू भी आप लोग उस बुक से कनेक्टेड रह सकते हैं। और बाकी शक्ति जी इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, और बहुत ही मैं बधाई देता हूँ तरुणा बिरला जी को जो इनने इतना अच्छा प्रयास किया है कि घर घर में अब हाथ में आ गया आपके मोबाइल से दुनिया, तो आप सब कुछ सीख सकते हैं और इसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। आप कोर्ट बच्चे करके अपना करियर तो बना ही रहे हैं, इसमें बना सकते हैं इसमें साथ जुड़ के, लेकिन जो बड़े भी हैं वो जो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते वो अपने घर में मोबाइल से इस कोर्स को करके आगे बढ़ सकते हैं। हम अपना 3 दिसंबर को एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, एक एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात मेरा एक बुक है कुक विद टीवी, वो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसकी लॉन्चिंग के लिए आ रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर सर। 3 दिसंबर को होटल मैरियट जयपुर में ये प्रोग्राम है, और होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें। कुक विद टिब्बी तो हमारा बुक का नाम है, और शेफ तरुणा बिरला हमारा यूट्यूब चैनल है। क्या कुछ नयापन होगा इसमें, जो दूसरी अदर जो ऐप है, अदर जो बुक? बिल्कुल, उसमें बहुत कुछ नयापन है। जैसे जो हमारा बुक है, बुक जनरली ये होता है कि सिर्फ आप पढ़ो और ऐसा, लेकिन हमारी बुक है उसमें आपको नीचे QR कोड होगा, आप उसको स्कैन करेंगे तो आप सीधा उसके वीडियो पे चले जाएंगे, और जो बुक है उसका पूरा वीडियो आपका वहाँ पे शो होगा, और बाकी बुक भी पूरा आपका डिजिटल है। ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको परचेज करना ज़रूरी है, आप ऑनलाइन भी उसे परचेज करके और ऑनलाइन भी उसे देख सकते हैं। स्पेशली क्या कंटेंट रहेंगे बुक और ऐप के अंदर? अब बुक में हमने पूरा बेकिंग के ऊपर निकाला है, अभी आगे भी बहुत सारे बुक्स मेरे आने वाले हैं, लेकिन जो ये बुक है वो स्पेशली हमारा बेकिंग के ऊपर है, बहुत सारे इंटरनेशनल डिशेज भी मैंने उसमें ली हैं। हाँ, हिंदुस्तानी खाना हम सब सारे कुजीन इसमें लेना चाहेंगे, अभी हमने स्टार्ट किया है तो कुछ मोस्ट ऑफ कुजीन हमने लिए हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम सारे कुजीन का जो है एक अलग से सेक्शन करेंगे, और हेल्दी खाना और उन कुजीन को हम कैसे हेल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारा सेक्शन मेनली रहेगा। त्योहारों का सीजन शुरू होने के साथ ही शहर के बाजारों में भी रौनक लौटने लगी है। कोरोना के साए में जी रहे शहरवासी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर ही बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों के साथ मिठाई की दुकानों पर भी खासी भीड़ दिखाई देने लगी है। खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावटों की रोकथाम के लिए त्योहार से पहले प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज सोमवार से हो गया है। त्योहारों के सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री होने के चलते इस अभियान को चलाया गया है, ताकि त्योहार के सीजन में लोग मिलावटी खाद्य सामग्री खाने से बच सके। इस अभियान के द्वारा खाद्य सैंपल की जाएगी। अभियान के तहत उदयपुर में भी विभाग हरकत में आ गया है। विभागीय अधिकारियों ने जिला प्रशासन के निर्देश पर सैंपल कलेक्शन का कार्य शुरू कर दिया है। सबसे पहले कृषि मंडी इलाके में RB ट्रेंडिंग कंपनी पर पहुंचकर घी के सैंपल कलेक्ट किए गए। इस दौरान दुकान मालिक से पूरी जानकारी जुटाई और जो भी सैंपल संदिग्ध रूप से नजर आया है उसे कलेक्ट कर जाँच के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। जाँच टीम ने मौके पर विधि पूर्वक पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और यदि नमूने मिलावटी पाए जाते हैं तो विक्रेता पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की है, उसी के तहत उदयपुर में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, और उसी के तहत हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ हैं उन लोगों के हम लोग सैंपल संग्रह का से हमने काम शुरू किया। सर, साल भर ये अभियान जो होता है वो चलता नहीं, और राज्य सरकार की जो निर्देश है उन्हीं के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। कोविड का उससे कोई लेना देना नहीं है। त्योहारी सीजन के अंदर लोगों को मिलावट वाले को ऐसे खाद्य पदार्थ उन लोगों के सेवन में नहीं हो जिससे कि उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे, इसके लिए सारी कार्रवाई की जाती है। लगभग कितने रुपए तक का अभी तक का चालान बना दिया गया सरकार, क्योंकि अखबारों में प्रकाशन आया एक बड़ा राशि? मेरी जानकारी में नहीं, वो जो विभाग डील करते हैं उनकी जानकारी में। क्या प्रक्रिया रही है सर जाँच की? हम लोग सैंपल लेने अभी तक।
इनके सैंपल की जो रिपोर्ट आती है वो लगभग कब तक आ जाती है? कब तक आएगी सर? वैसे 14 दिन का प्रोविजन है, 14 डेज उसके पहले। संभाग के डूंगरपुर जिला पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 बंदूकें और हथियार बनाने का कच्चा सामान बरामद हुआ। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि डूंगरपुर जिले की बिच्छीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मोदर गांव में एक मकान में अवैध रूप से बंदूकें बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 9 टोपीदार बंदूक, इसे बनाने के उपकरण व सामग्री जब्त की है। इसके साथ ही 2 किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद किया है और मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि मोदर गांव के एक मकान में अवैध रूप से हथियार बनाए जा रहे हैं, जिस पर बिच्छीवाड़ा थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी। पुलिस को देखते ही मौके पर हड़कंप मच गया। मौके से 9 टोपीदार बंदूकें, 3 नई बंदूकें और 6 पुरानी बंदूकें बरामद की गई। इसके अलावा मौके से लकड़ी की नाल, बट लोहे की 2 नाल, वायला, 2 हथौड़ी, ड्रिल करने के औजार, कटर, लोहे की धार बनाने के औजार आदि सामान भी जब्त किए गए। आगामी पंचायत चुनाव को दृष्टिगत आज गत 24 घंटे में जिला डूंगरपुर में नाकाबंदी और अपराधियों की धरपकड़ का एक विशेष कार्रवाई के लिए सभी को निर्देशित किया था, जिसके क्रम में बिछीवाड़ा थाना पर पहली बार इस तरह की एक कार्रवाई हुई, जो अवैध हथियार मजल लोडिंग गन्स अवैध रूप से बनाते हुए रिपेयर करते हुए पकड़ में आए। 9 हथियार और हथियार बनाने की रिपेयर करने की सामग्री उनसे बरामद की है। 3 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से 2 उदयपुर शहर के रहने वाले हैं और एक स्थानीय जिसके घर में इस तरह का कारखाना चल रहा था उसको गिरफ्तार किया है। इसी तरह अवैध शराब की धरपकड़ के लिए बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में रतनपुर जो चेक पोस्ट है गुजरात का, वहाँ पर नाकाबंदी के दौरान एक आयशर ट्रक पकड़ा, जिसमें 280 कार्टून शराब बरामद हुई। लगभग शराब की कीमत 20 लाख है और एक आरोपी गिरफ्तार किया जो हरियाणा फरीदाबाद का रहने वाला है। नाकाबंदी के दौरान ही एक स्कॉर्पियो वाहन को भी पकड़ा है, जिसमें एक अपराधी को गिरफ्तार किया और अवैध शराब 10 कार्टून के आसपास उससे भी बरामद हुआ है। जो हथियारों की धरपकड़ हुई है उनमें मौके पर जो तलाशी ली थी जिस जगह पर ये हथियार रिपेयर और निर्माण कर रहे थे, उस तलाशी में 2 किलो के लगभग अवैध रूप से गांजा भी बरामद हुआ। NDPS एक्ट के तहत भी उसमें अपराध कायम किया गया है। इसी तरह रामसागड़ा थाना इलाके में भी नाकाबंदी के दौरान SHO की ओर से अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 4 किलो अवैध गांजा जो डूंगरपुर से गुजरात मोड़ासा की तरफ परिवहन किया जा रहा था एक वाहन की तलाशी के दौरान मिला और 2 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया। सर, ये बंदूकों का कारखाना कब से चल रहा था, इसकी कोई सूचना? सर, प्रारंभिक पूछताछ में ये ध्यान में आया है कि जो लोग उदयपुर के रहने वाले आरोपी हैं वो हर वर्ष इस इलाके में आते हैं और आसपास जो लाइसेंसी बंदूकें हैं उनकी रिपेयर भी करते हैं और इसके साथ साथ ये नए वेपन बना के अवैध रूप से बिक्री भी करते हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर, तो आप फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदी ही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी के कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। हर एक का सपना होता है अपना घर और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन,
ट्यूबलाइट फैन पीओपी फॉल सीलिंग लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना, आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर जीबीएच हॉस्पिटल प्रताप नगर उदयपुर। कॉल 9352525017 9829592574। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित दो मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटी, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए केश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवा कर सोफा बनवाई। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 14 हिरन मगरी उदयपुर। कॉल अस 8233206262। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहां आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है, देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हेलो, आई एम जीएस सिसोदिया। देव एविएशन एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी इन द राजस्थान। वी आर प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड एयरपोर्ट विजिट्स फॉर मॉक इंटरव्यूज। बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल इट 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA MEd गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597706026। फोन नंबर 0294242067। क्या आप बेरंग से घर ऑफिस से परेशान हैं? क्या आप अपने घर ऑफिस के लिए अच्छे रंग की तलाश कर रहे हैं? दोस्त रिश्तेदार आपके यहाँ आते ही दीवारों के रंग बदलने की बात करते हैं, तो रंगों के समागम के साथ आपकी हर खुशी का मददगार बनकर आया है रंगों की दुनिया का बेताज बादशाह लेक्सिटी पेंट्स, क्योंकि हम आपकी दुनिया रंगीन बनाते हैं।
एशियन पैंट्स और निपोन पैंट के ऑथराइज्ड डीलर। सभी प्रकार के कलर, प्लास्टिक पैंट, डिस्टेम्बर, वॉल पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, ब्रश, रोलर उपलब्ध। सभी प्रकार के पेंटिंग प्रोडक्ट होलसेल रेट में मिलने के साथ यहाँ मिलेगी आपको पुराने घर का फोटो लाने पर कंप्यूटराइज कलर मैचिंग की सुविधा। एक विश्वास आपके जीवन में रंग भरने का, एक विश्वास जीवन भर के अटूट रिश्ते का, बेरंग सी जिंदगी में भरे रंग लेक सिटी पेंट्स के साथ। कोलीवाड़ा रावत बुक स्टोर के पीछे बापू बाजार उदयपुर। कॉल इट 8003719214 और 8233596121। AHA Airline and Hotel Management Academy, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA द फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट द बैचलर्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिग्री इन एविएशन एंड टूरिज्म विद 100% जॉब प्लेसमेंट इन द लीडिंग एयरलाइंस ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल। एडमिशन ओपन, फर्स्ट फ्लोर पैराडाइज कॉम्प्लेक्स अपोजिट अग्रवाल धर्मशाला सेक्टर 11 उदयपुर। कॉल इट 7023144442, 8107392702, वेबसाइट www.aha-udaipur.com। सत्ताईस वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्नकी प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध, 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी मेन रोड, उदयपुर। आपका स्वागत है।
रायपुर जिले के सरुम्बर कस्बे के आमलिया भेरूजी और अन्य देव देवी स्थलों से सोमवार को विजयादशमी पर ढोल धमाकों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और सरवर सैरिंग तालाब पर ज्वारे भी विसर्जित किए गए। पहाड़ी पर विराजित सोनार माता, नगारची गली सोनार माता, चैल छबीला भेरू के देवरों से आखा पाती के साथ श्रद्धालुओं ने शुभारंभ के संकेत लिए और माता भेरू से खुशहाली की कामना की। वहीं आमलिया भेरू जी के परंपरा को देखते हुए करीब एक घंटे तक नेजा रमण हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर नेजा रमण का आनंद लिया। संभाग के भीलवाड़ा जिले में आगामी 2021 में होने जा रहे आचार्य श्री महाश्रमण जी के चातुर्मास हेतु चल रही तैयारियां जोरों पर है। यहाँ के श्रवण समाज भी चातुर्मास को लेकर बहुत उत्साहित है। आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति भीलवाड़ा द्वारा सोमवार को समाजजनों की उपस्थिति और सहयोग से चातुर्मास काल में आने वाले सेवार्थियों हेतु अच्छी सुविधा प्रदान कर सकेंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जहां अस्थाई कोटे निर्माण होना है उस स्थान को भूमि पूजन किया गया। समिति के सुमित नाहर ने बताया कि कार्यक्रम के संस्कारक अशोक सिंघवी, कुंदन सुतरिया, प्रकाश कावड़िया, निर्मल सुतरिया ने शिरकत कर भूमि पूजन संपन्न करवाया। कार्यक्रम में चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति अध्यक्ष प्रकाश सुतरिया, सभाध्यक्ष निर्मल गोखरू, उपाध्यक्ष अनिल तलेसरा, जसराज चोरड़िया, कोषाध्यक्ष सुपकरण चोरड़िया, मांडल विधायक व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट, पूर्व सभापति ओम नारणीवाल, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, शंकरलाल हिरण आदि की उपस्थिति रही। भूमि पूजन में आदरणीय पूज्य श्रीमान मैन जी, आदरणीय श्रीमान रामलाल जी साहब जाट, श्रीमान ओम जी नारणीवाल साहब, श्रीमान मंजू जी पोखरना एवं समाज के सभी वरिष्ठ जन महानुभाव सभी पधारे। उस ये 260 सालों में पहली बार आचार्य श्री भीलवाड़ा में चतुर्मास के लिए पधारेंगे। तो यहाँ पे जैसे 42 बीघे में 53 नगर बसाया हुआ है, जिसमें पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। भीलवाड़ा के अलावा भी पूरा हिंदुस्तान के लोग भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बाहर से दर्शनार्थी जो 4 महीने यहाँ पे रह के सेवा करेंगे उनके लिए 2 BHK, 1 BHK, भोजनशाला, सिंगल कोटड़ी, डोरमेट्री, सभी मतलब जो भी जरूरत की चीज़ें हैं उनका सबका अस्थाई निर्माण होगा। क्या भीलवाड़ा वैसे ही धर्म की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राय प्राय सभी साधु संतों के चतुर्मास यहाँ पे होते रहते हैं। लेकिन 2021 में जो 53 समाज के जो आचार्य हैं पहली बार यहाँ पे चतुर्मास करेंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में जो अहिंसा यात्रा चल रही है दिल्ली से गुवाहाटी, कलकत्ता, कलकत्ता से फिर चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, बेंगलोर से हैदराबाद, और 21 को यहाँ पे हैदराबाद यात्रा हिंसा यात्रा यहाँ पे पहुँचेगी और गुरुदेव यहाँ पे पधारेंगे। डूंगरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज हुआ। सरकार की ओर से अभियान को लेकर अजमेर से विशेष ड्यूटी पर लगाए गए फूड इंस्पेक्टर व डूंगरपुर तहसीलदार की टीम ने शहर के कई मिष्ठानों, घी व तेल की दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थों की सैंपल लिए। टीम ने कलेक्टेड मार्ग पर स्थित मिठाई की दुकानों से मिठाई, पनीर के सैंपल लिए, तो वहीं इंडस्ट्री एरिया में एक ऑयल फैक्ट्री से तेल के सैंपल भी लिए गए। इसी दौरान व्यापारी और अधिकारियों के बीच में काफी देर तक कहासुनी हो गई, जिसके बाद अधिकारियों को पुलिस की सहायता से सैंपल लेना पड़ा। वहीं व्यापारी पंकज जैन का कहना है कि 1 महीने पहले भी मेरी फैक्ट्री में से सैंपल लिया गया था, जिसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, और चुनाव को देखते हुए अभियान के तहत मुझे विपक्ष द्वारा टारगेट किया जा रहा है। अजमेर से आए फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि अभियान का आगाज हो चुका है, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। डूंगरपुर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग ली जाएगी और त्योहारी सीजन में उपभोक्ता को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले इसकी सुनिश्चितता तय की जाएगी। ये राज्य सरकार के हिसाब से 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा, जो शुद्ध के लिए के रूप में मतलब प्रत्येक खाने पीने की वस्तुओं का सैंपलिंग लिया जाएगा। आज कार्रवाई यहाँ जिला स्तर पर मतलब कलेक्टर के सामने जस्ट मतलब यहाँ से शुरुआत की है, और प्रत्येक उपखंड स्तर पर भी मतलब एक तहसीलदार के हिसाब से मतलब टीम गठित करके की जाएगी। 10/9/2020 को मेरा सैंपल लिया गया था, जिस सैंपल की रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है।
और अभियान के नाम पे मुझे राजनीतिक प्रेशर करते हुए वापस सीधा सीधा कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेताओं को दबाने के लिए राज्य सरकार ने इस तरह के अभियान चला रही है और मुझे सीधा टारगेट किया गया। एक महीने में वापस मेरा सैंपल लिया गया जो सरासर गलत है और एक महीने की रिपोर्ट पहले वाली रिपोर्ट अभी तक ठिकाने नहीं। लेक्सिटी में सोमवार को उम्मेद सेवा संस्थान की ओर से कन्या पूजन के साथ बच्चियों को 5,000 की FD दी गई। तितरड़ी स्थित संस्था परिसर में संस्थान ने अपने क्षेत्र में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के लिए ये योजना शुरू की है जिसके तहत इस बार 21 बालिकाओं का पूजन किया गया और उन्हें FD भेंट की गई। उम्मीद सेवा संस्थान के अध्यक्ष भभूत सिंह सिसोदिया ने बताया कि वे सर्व समाज में जन्म लेने वाली बेटियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए FD भेंट कर रहे हैं। यही नहीं, संस्थान परिसर में ही बच्चियों के लिए एक स्विमिंग पूल बनाने का भी निर्णय लिया गया है जो सिर्फ बालिकाओं के लिए समर्पित रहेगा। इस मौके पर संस्था के राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कार्यक्रम में अतिथियों का पगड़ी व उपरना उड़ाकर स्वागत किया। उम्मीद सेवा संस्थान के यशस्विनी योजना जिसके अंतर्गत अपनी बेटी गांवरी हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ 21 कन्याओं को 5,000 रुपये की FD दी गई। पूरे मेवाड़ में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक अद्भुत उदाहरण है कि गांव में जहां भी 3 साल से छोटी बच्चियां हैं उनके संरक्षण के लिए हम बात तो करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन वास्तव में ये एक प्रैक्टिकल ऐसा उदाहरण है ग्रामीण क्षेत्र से उदयपुर के तितरड़ी क्षेत्र से जो आदरणीय भभूत सिंह जी और उनकी संस्थान ने ये यशस्वी योजना शुरू की है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ उनके संरक्षण और साथ ही गांव में हरियाली भी बढ़े इस दृष्टि से ये बहुत अद्भुत योजना है। मैं इस यशस्वी योजना के सफलता की कामना करते हुए सभी से निवेदन करूँ कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद सेवा संस्थान द्वारा जो कदम उठाया गया है कि सितंबर 19 के बाद जितनी भी बच्चियां पैदा हुई हैं उनकी उन्होंने FD कराने की बात करी है 5,001 रुपये, उसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये मुहिम चलाया गया सरकार द्वारा भी कि बच्चों को कोख में ना मारा जाए, जिस हम रोज़ देखते हैं अखबार इस बार से रंगे होते हैं कहीं के ना कहीं झाड़ियों में बच्चियों को गिरा दिया जाता है, तो यहाँ ये जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया इसको जितना ज़्यादा फैलाया जाएगा उतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी कि बेटी क्या नहीं कर सकती है। और हम देख रहे हैं कि बहुत बेटियाँ जो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और सभी क्षेत्र में वो अग्रणी हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए हम बेटा बेटी में कोई फ़र्क ना रखें, बेटी को बचाएं, पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। इस संस्था द्वारा गरीब बस्तियों में रोज़ खाना भी बांटा जाता है जिसमें ये लोग पूरी और रोटी देते हैं, पूरी सब्जी देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम सभी को इसको सहयोग प्रदान करना है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता पैदा करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ आके इस सेवा में जुड़ें और लोगों को पता चले कि बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी सब कुछ कर सकती है। तो इसी के साथ इनको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो योजना यशस्वी योजना का जो कार्यक्रम रखा है इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरा ये अपना जो मेवाड़ ही नहीं पूरा राजस्थान इसको देखे और इसके लिए ये जो इनकी पहल है इसको आगे बढ़ाए और सब ये संकल्प करें कि जो हमने ये जो जो बेटी बचाओ का जो ये अभियान है इसको हम राष्ट्र तक लेकर जाएं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं ये इस संस्था से जितने भी जुड़े मतलब जो भी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और हमारी कंपनी अर्चना ग्रुप की ओर से जो भी मतलब कार्य सेवा होगी बिल्कुल तन मन धन से हम इसके लिए समर्पित हैं और हम आगे भी इस कार्य के लिए जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी। उम्मीद सेवा संस्थान अपनी बेटी गांव की रैली का गत नवरात्रि से जो है ये संस्थान का प्रारंभ हुआ जिसके अंतर्गत तितड़ी पंचायत क्षेत्र में जन्म लेने वाली सर्व समाज में की बेटी को एक 5,000 की FD ट्री गार्ड और पौधा देने का लक्ष्य रखा था जो बराबर अभी तक चलता आ रहा है। अभी नवरात्रि में जो है नव चंडी यज्ञ जो प्रारंभ हुआ 17 अक्टूबर से आज इसका समापन हुआ है जिसके अंतर्गत FD वितरण का कार्यक्रम और हवन पूर्णाहुति का पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे की यशस्विनी योजना के अंतर्गत स्विमिंग पूल का निर्माण चल रहा है। इस क्षेत्र की और आसपास क्षेत्र की जितनी भी लड़कियां हैं वो निशुल्क तैरना सिखाने का जो है कार्यक्रम रखा गया है और स्कूलों में इसकी सारी डिटेल्स दे दी जाएगी जिससे उनका क्रमबद्ध योजना के अनुसार वो आएंगे और या
तैरना सीखेंगे। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य एवं महिला शिक्षकों से की गई अभद्रता के विरोध में जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि 23 को पाली जिले के सिंगागारी में जोधपुर संभागीय आयुक्त द्वारा स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान आयुक्त द्वारा मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी और वीडियो को वायरल भी किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य और स्टाफ द्वारा किए गए रचनात्मक कार्य और विद्यालय हित में किए गए कार्य को नजरअंदाज करके सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा किया गया। यही नहीं, कोरोना काल के दौरान शिक्षकों ने विभागीय दायित्व के निर्वहन के साथ ही विद्यालय के साथ साथ गाँव में भी अपना पूरा योगदान दिया है। महामारी के समय मार्च से बिना समय देखे दिन रात प्रवासियों की सेवा, क्वारंटाइन, सर्वे, राशन वितरण जैसे काम किए हैं। इस योगदान के लिए जहां उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वहां उनके साथ असहनीय और निंदनीय व्यवहार किया जा रहा है। हाल ही में 2-4 दिन पहले जोधपुर संभाग के संभागीय आयुक्त आदरणीय सुमित कुमार जी, डॉक्टर सुमित जी शर्मा ने एक पाली जिले का उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगारी का निरीक्षण किया और जाते ही उन्होंने जिस विद्यालय में गए वो सुबह 8:25 पे गए और उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि जो बच्चों को स्माइल क्लास पढ़ाई जाती है, जो कंटेंट आता है वो 9 बजे आता है। उन्होंने जाते ही सबसे पहले उनके साथी का वीडियो ऑन करा दिया और वीडियो के अंदर सबसे जाके प्रिंसिपल को उन्होंने, लेडीज जो प्रिंसिपल थी उनको लताड़ा और वीडियो के सामने उन्होंने उनका वेतन पूछा। उसके अलावा उन्होंने वीडियो ऑन करके सारी बातें, उनको कई तरह की बातें की, जिसमें जब वो टीचर सोशल डिस्टेंसिंग से बैठा था उन्होंने कहा शामिल होकर कि मतलब दूर दूर क्यों बैठे हो, बाहर धूप में क्यों बैठे हो। उसके अलावा उन्होंने विद्यालय की भी जो भी दूसरी परिस्थितियाँ वो नहीं देखी, जबकि निरीक्षण का मतलब ये होता है कि उनको सम्मेलन देना है, विद्यालय में अच्छी चीज़ें क्या है, कमियाँ हैं उनको बताना है। पर उन्होंने किसी भी महिला का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, जबकि होता ये है कि कोई भी आईटी एक्ट बनता है उसके अंदर और महिला का उत्पीड़न में भी केस बनता है, क्योंकि कोई भी बिना परमिशन के सरकारी कर्मचारी का ना तो वीडियो बना सकता है ना उसको वायरल कर सकता है। जब वो विद्यालय में गए तो उन्होंने वहाँ अच्छी बातें कुछ भी नहीं देखी। हमने शिक्षकों ने कोरोना काल में बहुत अच्छा अच्छा काम किया, उसके बारे में उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। इससे ऐसा लगता है कि संभागीय आयुक्त महोदय अपने पूरे फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए विद्यालय में गए थे और बदनाम करने के लिए गए थे। उसके अलावा उनको ये भी मालूम नहीं, उन्होंने एक आदेश निकलवाया कि इनकी डेली की डेली अटेंडेंस हमको भेजी जाए, जबकि ऑनलाइन हमारी अटेंडेंस होती है। सुबह जाते ही हम एक सरकारी कर्मचारी में एक पहला कर्मचारी शिक्षक है जो सुबह 7:30 बजे अपनी उपस्थिति ऑनलाइन कर देता है, बाकी किसी ऑफिस में नहीं होता है। जो IAS है वो सबसे पहले अपने अधीनस्थ कार्यालय को देखे और उनकी वहाँ की जो सारी व्यवस्थाएँ देखे। शिक्षकों को बदनाम करने से जो राष्ट्र का निर्माता है उससे काम नहीं चलेगा, उनको सम्मेलन देना पड़ेगा। आपको इसी विरोध के लिए हम आज मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और आदरणीय संभागीय आयुक्त महोदय के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जांच की जाए कि उन्होंने किस जो करते किया है उसमें IT एक्ट बनता है, महिला उत्पीड़न बनता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा आने वाले समय में शिक्षक वर्ग पूरे राजस्थान का आंदोलन करेगा। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दो पक्षों के बीच हुए विवाद को निपटाने पहुंची पुलिस ने की महिला से मारपीट, पीड़िता पहुंची IG विनीता ठाकुर की शरण। शहर के रकमपुरा गांव में भाई ने भाई की कर दी निर्मम हत्या, चाकुओं से किए ताबड़तोड़ वार, उतारा मौत के घाट। त्योहारी सीजन में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं, प्रशासन ने शुद्ध के लिए छेड़ा युद्ध। और क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे ने दी कुकिंग डिजिटल ऐप और इंस्टीट्यूट की जानकारी, टीवी कलाकार को सामने देख उत्साहित हुए शहरवासी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।